झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से आज विभिन्न पदों के लिए युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन इनमें एक युवा एलेक्स गुड़िया है जिन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। एलेक्स एकमात्र पाइपलाइन ऑफिसर है जिन्हें आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र मिला। मौके पर रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ राय से बातचीत करते हुए एलेक्स गुड़िया ने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार जारी है और यह सरकार लगातार युवाओं को नियुक्तियां पत्र भी बांटते हुए आपको नजर आ जाएगी। आज एक बार फिर से नियुक्तियां पत्र बांटी गई है और हमारे साथ मौजूद हैं एलेक्स जी, एकमात्र पाइपलाइन इंस्पेक्टर भी हैं जो आज नियुक्ति पत्र हासिल किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों के द्वारा। आपको आज कैसा महसूस हो रहा है, आखिरकार मेहनत रंग लाया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों से आज आपको नियुक्ति पत्र भी मिला है? सर, खुशी तो बहुत हो रहा है, बहुत दिन से इंतज़ार में थे। ये फर्स्ट फेज का जो हुआ था उसमें थोड़ा पीछे रह गया, मतलब मालूम नहीं चल रहा, तो फिर अभी तो आज तो हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही खुशी लग रहा है। क्या स्ट्रगल रहा इतने वर्षों की प्रिपरेशंस, कैसे आपने प्रिपेयर किया हमारे दर्शकों को बताएं? थोड़ा मेहनत तो किया था और जहाँ मतलब इसको करने के लिए शुरू से प्रयास में थे। बहुत लोग बोलता है ना कि पाइपलाइन सही नहीं है, थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखता है, लेकिन अपने को करना था यही, तो उसको पहले से सोच करके फिर उसका कंपटीशन एग्ज़ाम लिखा था जिसमें फिर ITI में सिलेक्शन हुआ, कंप्लीट किया कोर्स, फिर नियुक्ति मतलब वैकेंसी का इंतज़ार कर रहा था और